हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउंड ऑफ व्लॉगर। एंड आज आ गए हम नई व्लॉग के साथ डे 5 में। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने 100 डे चैलेंज 5 दिन पहले ही लॉन्च किया था, जिसमें हमने टारगेट रखा था 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, और 100 डे हम रेगुलर व्लॉग डालने वाले चैनल पे। सो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाके, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके चेक करो, देखो, तब आपको पता चलेगा, एंड फिर ये वीडियो देखना। और इस व्लॉग में मैं आपके लिए बिल्कुल कुछ नया लेके आ गया हूँ। तो हमारे साथ जो थी वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज का चैलेंज है डाइट डे चैलेंज, जिसमें आज से हम रेगुलर डाइट फॉलो करने वाले हैं। तो गाइज, मैं जिम तो काफ़ी टाइम से जा रहा था, बट डाइट मैं लगभग कम ही फॉलो कर पाता था। बट आज से मैंने प्रॉपर डाइट का सोच लिया है, और मैं बिल्कुल ही उसके लिए मैं वो हो जाऊँगा। तो आज से हमारा चैलेंज शुरू होता है डाइट का भी, इस 100 डे चैलेंज में। एंड लेट्स सी मैं कब तक इसको फॉलो कर पाता हूँ। और आज ही मैंने ये डाइट लिखवाया अपने जिम ट्रेनर से, पूरा फुल ऑन जो भी है। तो उन्होंने मुझे फुल बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फर्स्ट आज हमारा शुरू होता है दलिया से। तो मेरे को दलिया बनाना भी नहीं आता है, तो मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ मैं, तो जल्दी से देखो। सुबह जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये दलिया के लिए मैंने ये दलिया दिख रहा है आपको, पता नहीं जल गया है कि नहीं, लेकिन मम्मी ने बोला था कि इसको थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लेना है अपना घी में, और जैसे थोड़ा हो जाए, आई थिंक हो ही है, तो इसमें पानी डालना है, पानी नहीं है सॉरी दूध डालना है। तो मैं दूध डाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, सब प्रॉब्लम होता है। दोनों कैसा बनेगा, बट जैसा भी बनेगा हम खा लेंगे, क्योंकि अब डाइट का सवाल है, टेस्ट से कुछ मैटर नहीं करता। तो अब सीधा खाना है भाई, जो भी बनेगा। तो भाई मैंने अब सीख लिया कि भाई ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहिए। तो कुकिंग मैं पहले कभी करता नहीं था, और कुकिंग मेरी कभी हॉबी रही भी नहीं है। बट जब से मैंने कुकिंग चैलेंज स्टार्ट किया ना, तो सच बताऊँ तो मुझे मन करने लगा है थोड़ा थोड़ा कुक करने का। इसी यही रीज़न है जिस वजह से मैं आज ही दलिया भी कुक कर रहा हूँ। एंड काफ़ी सही चीज़ है, मतलब यार रखना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। क्यों ही हम अपनी मम्मी और बहन को बोलें कि बना दो, क्यों ही डिपेंड है हम किसी ऊपर किसी चीज़ के लिए। तो भाई सही लगता है, मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब मैं बिल्कुल आराम से बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। और मेरे को थोड़ा सा दूध और चाहिए, मेरा दलिया तो ऑलमोस्ट रेडी है, पता नहीं कैसा बना होगा। पर यार मैं इसमें चीनी तो डाली नहीं, पहले मैं चीनी डालता हूँ, बताता हूँ आपको। भाई जो मेरी ब्लॉग को देखते हो, और जो जिम लवर भी हो, एंड जिसको यू नो डाइट का भी वो चाहिए हुआ, तो मैंने अपने जिम ट्रेनर से एक डाइट बनवाई है, जो कि काफ़ी लो कॉस्ट पर बन गई है। ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब घर पे जो चीज़ होती है नॉर्मली, उसी चीज़ को लेके हमने डाइट बनवाई है, जिससे ज़्यादा खर्चा भी ना हो और हमें फ़ायदा भी हो जाए। तो मैं उसको डालता रहूँगा रेगुलर अपनी ब्लॉग्स में, तो अगर आप देख रहे हो तो आप भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैंने तो आज से शुरू किया है, तो मैं ज़रूर आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगा कि कैसा रहा है ये डाइट मैंने जो प्रॉपर फॉलो करी है, 3 महीने या फिर 1 महीने बाद बता दूँगा आपको, रेगुलर बताऊँगा। चलो वो भी देख लेंगे जैसा भी होता है। बाकी मैं जब दुकान पर गया था, दलिया ने आंटी से मैंने बोला आंटी दलिया दे दूँ, आंटी ने मुझे ला के दे दिया ये, और कहती है बेटा, मैंने आंटी से बोला आंटी यही दलिया है, तो कहती आंटी पढ़ना नहीं आता क्या बेटा तुम्हें? उन्होंने आंटी नहीं, इसमें हिंदी में लिखा है ना, मुझे हिंदी मैंने तो 5th क्लास में छोड़ दी थी। आंटी कैसे बच्चे मतलब जवान लड़ा रहे। तो भाई रेडी है हमारी फाइनली गर्मा गर्म दलिया। यार देखने में तो मुझे टेम्पटिंग सा लग रहा है, और मज़ा भी आने वाला सा लग रहा है खा के। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इसको टेस्ट करता हूँ, लेट्स सी कि कैसा बना है। लेट्स गो। सो गाइस फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं गर्म में, कैसा बना है, होप अच्छा बनाओ, बट लेट्स सी। अब ये कच्चे क्यों लगे यार? अगर इतना गंदा टेस्ट था, मतलब कच्चा रह गया था हमारा दलिया, टेस्ट तो बाकी अच्छा ही लग रहा था मुझे, बट जो दलिया था वो कच्चा रह गया था। तो मैं फिर से यार इसको चढ़ा दिया,
सवाई दामन मूवी, तो मुझे प्लीज जज मत करना मेरे को मूवी का, बट आखिर मैंने ये डिसाइड कर लिया है इन 100 डेज चैलेंज में मुझे लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़रूरत है, इसमें से एक ये कुकिंग चीज़ भी आ जाती है उसमें ऐड कर लो, तो एडिंग टू द लिस्ट लेट्स सी कब हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। आई होप 100 डेज के बाद तो मुझे वो ही जाना चाहिए, पर लेट्स सी क्या होता है। देखो अब मैंने बना के रेडी कर लिया अपना दलिया, लेट्स ईट एंड जस्ट सी अभी कैसा बना है एंड आपको बताता हूँ फिर। आई होप अब अच्छा बना, लेट्स सी कैसा बना यार। ठीक ठाक ही बना यार, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने ये, तो उसके हिसाब से तो चलो ठीक है। अब जैसा भी बनाया फटाफट खाता हूँ और उसके बाद मुझे सोना भी है, बहुत नींद आ रही है, मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात भर, तो जल्दी से सोते हैं खा के एंड रेस्ट लेते हैं क्योंकि रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है।